और पत्ते से खाया जाता है दोस्तों ये भात को, हाथों से नहीं। हेलो दोस्तों नमस्कार, हम तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे और बढ़िया ही होंगे। और आज का मौसम देखिए ना, तगड़ा धूप दिया है दोस्तों, लगता है आज तगड़ा गर्म लगेगा। कल को तो ठंड ठंड लग रहा था बट आज गर्म लगेगा। और कल से मुझे काम करने के लिए बुला रहे हैं, मजदूरी काम करने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है। कल मैंने सोच रहा था कि आने वाला कल को जाऊँगा बट आज भी कहीं पर जाने के लिए प्रोग्राम है, तो आज भी वो प्रोग्राम के कारण मजदूरी काम करने के लिए नहीं जा पा रहा हूँ। यार साल में 15-20 दिन मिल रहा है मजदूरी काम, वो भी पैसे वाला काम है दोस्तों। 6 घंटा काम करो 200 रुपीज मिल जाएगा, 6 घंटे में 200 रुपीज। अभी पापा के साथ हम लोग मिल करके पिक का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। नहीं पापा, कीड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं दोस्तों। देखिए पीछे का 2 टेस्टिस हम लोग काट करके, हाँ काट करके हम लोग निकाल दिए थे। देखिए हम लोग सिलाई नहीं किए थे दोस्तों, टेलरिंग इधर सिलाई या क्या बोलते हैं दोस्तों, टेस्टिस निकालने के बाद इसको हम टेलरिंग नहीं किए थे, क्या बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, आप लोगों को बोल रहा हूँ दोस्तों। देखिए होल ही दिखाई दे रहा है और होल के अंदर कीड़े ही कीड़े जम गए हैं। अभी हम लोग वो जला हुआ डीजल हम लोग डाल दिए हैं इधर, देखिए दोस्तों। वैसे तो मेडिसिन नहीं है और हम दोनों को पता भी नहीं है, तो हम लोग डीजल दे दिए हैं। पहले से हम लोग डायरेक्ट जहर डाल देते थे जहाँ पर कीड़े होते थे, तो इस बार जहर हम लोग को नहीं मिला तो हम लोग डीजल डाले हैं। देखते हैं क्या हो रहा है, रिएक्शन ठीक ठाक हो रहा है या नहीं। हम लोग फिर से जहर देने के लिए ट्राई कर रहे हैं, अभी जहर फहर सब कुछ रेडी कर लिए हैं। डीजल से कुछ भी नहीं हो रहे हैं, टोटली नहीं मार रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। देखिए कीड़े ही कीड़े कैसे बाहर निकाल रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत हम लोग जहर दे दिए हैं, फिर से अच्छे से हम लोग देंगे। पहले तो जला हुआ डीजल हम लोग डाले थे बट वो डीजल डालने के बाद कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ दोस्तों, कीड़े सब ऐसे ही रहे। नहीं पापा टोटली नहीं मारे। उसके बाद हम लोग फिर से जहर डाले तो साथ साथ मार गए, इंस्टेंट आँखों के सामने मार गए दोस्तों। और कीड़े सब को भी हम लोग बाहर निकाल दिए हैं और मलम फलम कुछ भी नहीं लगाए हैं। नहीं अभी ठीक हो जाएगा, बिना मलम लगाए पूरा ठीक हो जाएगा, क्योंकि जहर हम लोग डाले हैं। उधर अभी मक्खियाँ भी नहीं बैठेंगे और कीड़े भी नहीं लगेंगे नहीं पर। और कल का पानी निकाल करके आज फ्रेश पानी डाल लिया हूँ दोस्तों मिट्टी का हंडी में। कल तो टोटली नहीं पिए थे, कल का मौसम थोड़ा ख़राब किया था ना, इसी वजह से जितना मैंने पानी डाला था उतना ही था। आज डाला हूँ, आज थोड़ा मौसम ख़राब किया है, आज पियेंगे ज़रूर। हेल्प हो रहा है किसी ना किसी का, जाने आने वाले रास्ते में लोगों का हेल्प हो रहा है। ये थोड़ा मैं भी पी लेता हूँ दोस्तों, ठंड ही रह रहा है या गर्म हो रहा है पानी सब, देखते हैं। मिट्टी का हंडी में ठंड ही रहता है दोस्तों पानी सब, और ऐसे बाल्टी फाल्टी नहीं तो डेगची फेगची में रखने से गर्म हो जाता है। चलो गंदा हो गया है गिलास, थोड़ा धोना पड़ेगा भाई। पूरा आइस बन गया है दोस्तों, पूरा एसी से निकाल कर पी रहा हूँ जैसा लग रहा है, बहुत ही ठंडा है पानी, बहुत ठंडा। तो फाइनली घर का काम झाम फिनिश करके मैं आ गया हूँ जंगल बकरी चराने के लिए। बकरी सब जंगल के अंदर घुस गए हैं दोस्तों, इधर बकरी सब चार रहे हैं और पीछे पीछे पापा आ रहे हैं। खाना वाना खा करके वो बैल दोनों को खूंटाएंगे, उसके बाद आएंगे। और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया हूँ। हो हमारा टोमी बकरी सब को डिस्टर्ब कर रही है। आ टोमी आ, कुत्तू 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 आ कुत्तू कुत्तू,
मैं अभी तक नहीं खाया हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे खाने के लिए मन नहीं कर रहा है। हम लोग हमारा पिक को थोड़ा ऑपरेशन किया ना, उधर कीड़े फीड़े देख करके मुझे खाने के लिए मन नहीं कर रहा है। तो आज मेरा फर्स्ट मील पड़ेगा, शायद मैं खाऊंगा 2 बजे, नहीं तो 2:30 बजे, नहीं तो 3 बजे खाऊंगा। खाने के लिए मन नहीं कर रहा था यार, अच्छा नहीं लग रहा था। उधर कीड़े सबको हम लोग निकाले ना, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बकरी सबको क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? बकरी सबको डिस्टर्ब मत करो, जंगली जानवर को भगाओ, जैकल और जंगली पिग और टाइगर एलिफेंट ये सब को भगाओ, और रेबिट फेबिट को मार करके खाओ, हाँ शिकार करके खाओ। ये क्या बोल रहे हो पा? माने खाना माना खा लियो। हाँ बेलखाना कुछ उठाया। हाँ बकरी चराने के खुले नहीं आया। हाँ। एक्चुअल में मैं बकरी चराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जंगली भेज और लिफाई ग्रीन फिंस लेने के लिए आया हूँ। आज भीड़ के साथ लेकर आए हैं पापा और एक हमारा गांव का बच्चा ही, दोनों बकरी लेकर आए हैं। उन दोनों बकरी चराएंगे, मैं भेज लिफाई ग्रीन ये सब लूँगा, ढूँढूँगा और लूँगा। देखते हैं मिल रहा है या नहीं, डेली डेली ही खाने के लिए मान कर रहा है मार्केट से। तो हम लोग डेली डेली ही भेज लिफाई ग्रीन ये सब खरीद कर खा रहे हैं मार्केट वाला तो, बट जंगली वाला साल में एक ही सीजन में मिलता है। थनाली बोलते बोलते बहुत सारा खट्टा साग मिल गया है दोस्तों, लोकल में खट्टा साग और मट्ठा साग बोलते हैं। ये रहा देखिए दोस्तों, ऐसे दिखता है, इधर एक और इधर एक। चलो तुल लेते हैं। ओ भाई मिलेगा, मुझे लग रहा है मिलेगा, आज मिलेगा लाख, अच्छा है। उसी दिन तो नहीं मिला, बट आज पूरा अच्छा वाला। चलो बोहनी हो गया है, इतना सारा हो गया, इधर एक निकला है। नहीं मैं बैग लाने के लिए सोच रहा था, बट आने वक्त मैं भूल गया बैग लाने के लिए। अभी गमछा मैं लेने के लिए पाल रहा है, मुझे लग रहा है आज तगड़ा मुझे मिलेगा। बहुत सारा मैं तुल लिया हूँ दोस्तों, बहुत सारा। A few moments later. तो आप कितना सारा साग तुले हो? हाँ हाँ इतना सारा नहीं, बहुत ही कम तुले हो। और इस साइड में क्या है? घंटा में मार नहीं वाच, हेड वाच देखिए दोस्तों। पापा बहुत दिन के बाद मैं पापा को देख रहा हूँ, वाच लेके घूम रहे हैं, वो भी हाथ में नहीं पहने हुए है दोस्तों, गामछा में देखिए कैसे बांध दिए हैं। इधर वाच है नहीं सच में? इधर दिखाओ ना, दिखाओ। रुको रुको मत बांधो, ये सब साग भी उधर रख दो, ये साग भी उधर रख दो, मेरा वाला भी। गामछा खोलो, मैं बहुत ज्यादा तुला हूँ दोस्तों, पूरा 2.5 घंटे के बाद इतना सारा तुला हूँ। अगर तगड़ा बारिश होता तो 2-3 बैग में तुल लेता। हाँ हाँ। बारिश उतना ज्यादा नहीं हुआ है ना। खोटा साग में? हाँ हाँ। चलो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, टॉमी मत जाओ उधर, बहुत ज्यादा कुत्ते हैं, काटेंगे बहुत तगड़ा। इधर आ जाओ, मम्मी है, मम्मी भी है। चलो चलो, आज जंगल में बहुत ही बड़ा एक खरगोश मिला था दोस्तों, जंगली खरगोश, बट टॉमी नहीं पकड़ पाई। चलो चलो चलो, खेलो खेलो खेलो। तो बकरी साग को बांध करके खाना वाना खा करके हम लोग आ गए हैं जंगली तालाब नहाने के लिए। इधर का पानी बहुत ही फ्रेश है दोस्तों, देखिए जंगली तालाब का पानी बहुत ही थीन है, बहुत ही पतला है, नहीं पापा, बहुत ही फ्रेश है और बहुत ही कूल है। हाँ। और जो गांव का तालाब है, जिस तालाब में हम लोग पहले से नहा रहे थे, वो तालाब का पानी थोड़ा मोटा है और गंदा है, बट इस तालाब में नहाते समय कभी ना कभी किसी का जान जाएगा दोस्तों। वो इसलिए कि एलिफेंट एरिया है ना, ये जंगल के अंदर तालाब है और ये तालाब सिर्फ एलिफेंट के लिए ही बना है। हमारा जिंदगी भी हो सकता है, मेरा नहीं तो तुम्हारा। हाँ, हाँ या नहीं? हाँ। हमारा भी हो सकता है दोस्तों। तो फाइनली मैं अभी जा रहा हूँ दीदी और चिंटू के घर। कल जो मैं बोल रहा था आप लोगों को, काम में ही जा रहा हूँ दोस्तों, गिफ्ट विफ्ट सब कुछ लेकर जा रहा हूँ। कल जो मैं लाया था जीजू के लिए, दीदी के लिए और भांजी के लिए, एकदम रेडी होकर के बंद कर करके बहुत दिनों के बाद जीजू के घर जा रहा हूँ ना। और हमारा एरिया का रोड काम चालू है दोस्तों, पहले तो ऐसे लोकल रोड ही था, बहुत ही छोटा नैरो रोड था, और अभी पूरा नेशनल हाईवे बना रहे हैं NH। देखिए इसका चौड़ाई क्या बोलते हैं दोस्तों, कितना बड़ा रोड, एक साथ ही 3-3 रोक जाएगा ये रोड में। और जंगली पेड़ पौधा भी बहुत ही ज़्यादा काट रहे हैं ये रोड की वजह से, देखिए ना। रोड काम चालू है, जब कंप्लीट हो जाएगा और भी सुंदर दिखेगा दोस्तों। हटते रखिए, ओ भाई दीदी और जीजू के घर में पहुंच गए हैं और रेस्पेक्टफुली वेलकम किया। अभी बोल रहे हैं कि पिता भात खाने के लिए दोस्तों, नीम भात, नीम चावल, नीम राइस। तो चलते हैं, चलो
हाथ पैर हम लोग धो लिए हैं। ये रहा दोस्तों नीम भात पिता भात या क्या बोलते हैं, पूरा लोकल देहाती एरिया में हम लोग बोलते हैं नीम भात तीता भात पिता भात ऐसे कुछ। इधर खा रहे हैं दो भाई और पत्ते से खाया जाता है दोस्तों ये भात को, हाथों से नहीं, पायस जैसे पीने पड़ता है। वाह शानदार लग रहा है दोस्तों। और अभी भांजी की फ्यूचर टेस्ट करने जा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि उधर से लो, और भांजी कौन सा चूज करके ले रही है, पेन रखे हैं, धान रखे हैं, पैसे रखे हैं और एक लड्डू या गब्बर मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। उसको टेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं कौन सा पकड़ेगी। उठाओ 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 उठाओ, चलो 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 चलो। और इस तरफ रखे हैं कुछ फ्रूट फ्रूट रखे हैं खाने का आइटम सब कुछ, उसको बोल रहे हैं दोस्तों। बहुत ही छोटी है ना, इसी वजह से उसको पता नहीं चल रही है कि मुझे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा। चलो 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 सीधे डिश के ऊपर हाथ रख दी। चलो चलो उठाओ उठाओ उठाओ, क्या पकड़ी है दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। चलो मुझे लग रहा है पेन 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 शायद पेन, लोग सब बोल रहे हैं पेन और धान पकड़ी है। चलो 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 उठाओ उठाओ उठाओ, चलो कन्फर्म हो गया। आगे पढ़ाई करेगी भांजी, अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करेगी और पढ़ाई में ही इंटरेस्ट है। चलो ये तो हो गया, अभी खाने में देखते हैं। और प्रॉपरली आप लोगों को मैं गिफ्ट देने वक्त का वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखा पाया, इसलिए कि दोस्तों इधर थोड़ा अलग सिस्टम में किए गिफ्ट देने वक्त का सिस्टम। पहले से मैं जितने जगह में देते आया हूँ वो सब जगह में थोड़ा अलग मेथड से देते थे, थोड़ा गैदरिंग होकर के बैठ करके देते थे, बट इधर आते ही ले गए सब कुछ गिफ्ट विफ्ट पहले ही। तो जो भी है जितना दिखा पाए हम लोगों को उतना में सेटिस्फाई हो जाओ। और अभी हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, इधर मेरा दोस्त है और मैं इधर, और इधर ये मेरी दीदी है, और ये क्या लगती है मेरी बेटी जैसी है दोस्तों। चलो क्या आइटम हुआ है देखते हैं। और घर से जितने लोग भी आए थे सभी लोग खा लिए, हम लोग ही थोड़ा बहुत लेट कर दिए हैं क्योंकि हम लोग इधर से घूमने के लिए गए थे दोस्तों। चेनो रानू बेसी की खा आउटी के दियो इतनी खाई ना सही भाई मोटा हूँ ना। चलो खट्टा और इधर घाटिया क्या दिए हैं, अभी बाकी है शायद चिकन। क्या देख रहे हो, खाते समय कुछ भी नहीं देखते हैं, रख दो रख दो मोबाइल रख दो। ए सुनो सुनो यार दीदी आप खाना वाना खाए हो या नहीं, नहीं। है इतना बिजी, आओ आओ इधर बैठ जाओ और एक चेयर लगाओ साइड में, भाई बहन साथ में बैठ करके खाना खाएंगे, इतना बिजी रहना सही नहीं है। नहीं फिर भी सुबह से अच्छा नहीं लग रहा है, मुंह सूखा हुआ दिख रहा है सुख गया है। चलो मटन फटन सब कुछ दे दिए हैं, स्मेल में तो लग रहा है मटन ही दिए हैं, थोड़ा पूजा पाठ कर लेते हैं दोस्तों। भल लगुच ना दी,
चिनो रानू मस्तान अच्छा है ना। चलो अभी मैं ट्राई कर लेता हूँ दोस्तों। सॉरी यार, तब मैं आप लोगों को गलती से बोल दिया था कि गिफ्ट देना खत्म हो गया है, बट गिफ्ट अभी दे रहे हैं दोस्तों। तब मैं गेस ही नहीं कर पा रहा था, मुझे लगा कि पहले ही दे दिए हैं। इधर चालू है दोस्तों, देखिए इधर जीजू और इधर दीदी और मिड में हमारा भांजी, वो रहा देखिए। भांजी का भी ड्रेस पहना रहे हैं, देखिए ऐसे ही हम लोग भी पहनाएंगे। छोड़ो ना चाची, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कुछ लोग उसको पहना रहे हैं और कुछ लोग दे रहे हैं इसे ही। अभी हमारा गिफ्ट भैया दे रहे हैं दोस्तों। इधर देखिए, मैं बोल रहा था ना, लुंगी और एक साड़ी और भांजी के लिए ड्रेस। ये भांजी के लिए ड्रेस, ये रहा। चलो खत्म हो गए यार, हम घर वापस लौट कर आ गए हैं और उधर का ब्लॉग्स में आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं बहुत लेट होकर के पहुंचा था, बहुत कुछ पहले ही हो गया था। मैं जा कर के सिर्फ गिफ्ट दिया हूं और खाना खा कर के आया हूं और कुछ नहीं, बहुत कुछ दिखाना जैसे काम था उधर हो रहा था हमारा कल्चर में, तो वो सब आप लोगों को नहीं दिखा पाया दोस्तों। आगे और कभी ऐसे काम होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा। तो और हम लोग ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, तो आज का छोटा सा ब्लॉग्स को इतने में हिट करते हैं। आप लोग बिंदास रहो, एंजॉय करो और यही दुआ है भगवान को कि आप सबका लाइफ अच्छे से बीते। तो बाय बाय दोस्तों।